अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनदर डे ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट क्रिकेट गोइंग ऑन टुडे। आज सेकंड डे था पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच का, और अगेन एज वी स्पोक यस्टरडे इन आवर वीडियो, जिस तरह हमने बात की थी कि अगर पाकिस्तान इनको 350 के अंदर आउट कर लेता है बाकी रिमेनिंग प्लेयर्स को, तो पाकिस्तान इज स्टिल इन विद अ चांस। आई गेस के पिच काफ़ी आसान हो गई है, अगर आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं, आज का जो प्ले हुआ है दिन का, उसमें देखें तो कोई ख़ास कैरी नहीं था, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी सारा दिन पिच में, और उसके अलावा देयर वाज नो सच डीमंस इन द पिच जहां से बैटिंग जो है उसको कोई प्रॉब्लम होती नज़र आ रही हो। सो आई गेस ये एक अच्छा जो है ना, एक अच्छा साइन है फॉर पाकिस्तान बैटिंग, बिकॉज न्यूजीलैंड ने 5 सेशन बैटिंग की है और लास्ट 8 डे में पाकिस्तान को दिया है, और आई थिंक पाकिस्तान के ओपनर ने जो अर्ली थ्रेट था न्यू बॉल का, उसे काफ़ी अच्छा निगोशिएट किया। अनफॉर्चुनेटली शान टाइम गुजारने के बाद आउट हो गए, जो कि टाइम कैश करने का आने वाला था, नेक्स्ट डे तक अगर वो रहते तो बड़ी इनिंग खेल सकते थे। आबिद अली स्टिल देयर, लेट्स होप कि पाकिस्तान बैट्समैन भी, अब बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट 4 to 5 सेशंस का जहन बनाए बैटिंग का, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, जो भी लोग कहें मॉडर्न क्रिकेट ये वो, उसको साइड पे रख के अब 5 सेशन खेलेंगे तो पाकिस्तान इज़ इन द टेस्ट मैच, और पाकिस्तान के इसको जीतने के भी चांसेस हैं, और अगर खुदा नास्ता अदरवाइज़ आप बचा भी सकते हैं टेस्ट को। तो मेरा ख्याल है कि 5 सेशन जो है ना बैट्समैनों को अपना जहन बनाना चाहिए बैटिंग के लिए। वैसे भी एक इंटरनेशनल गेम टेस्ट मैच स्पेशली जो है उसमें आर ग्रेट कोच बॉब वुडमर यूज्ड टू से कि 4 सेशन खेलने पड़ते हैं ऑन एवरेज टू गेट इंटरनेशनल टेस्ट 100। तो अगर आप एज अ बैट्समैन मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बैट्समैन सेट हो जाए एटलीस्ट एम करे 3 to 4 सेशंस बैटिंग करने को, और ये उसको आगे उसके टेस्ट क्रिकेट के लिए ये चीज़ उसको मेच्योर भी करेगी, टाइम स्पेंड करने से कॉन्फिडेंस भी आएगा अगली इनिंग्स के लिए, सीरीज़ के अगले मैच के लिए। बहरहाल इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट में इस इनिंग्स को लंबा करें जितना कर सकते हैं। जब आज का डे स्टार्ट हुआ, विलियमसन प्लेड रियली वेल, उसने अपना 100 रन्स मुकम्मल किए, निकल्स का भी आते ही पहले ओवर में उसकी 50 हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये 2 विकेट्स क्वाइट अर्ली ले ली और न्यूजीलैंड इन दोनों के ज़रिए कोई बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर सका इनके माइलस्टोन्स के बाद। बट उसके बाद जो रन्स हुए हैं ना, ये वो रन्स हैं जो टीम को दुखते हैं, यानी कि जो बॉटलिंग चले एक अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंटली रन्स करता है, लेकिन जेमिसन ने जो इनिंग खेली, जो सेंटर ने 19-20 किए, उसके बाद वैगनर ने जिस तरह बारी ली, और मुझे उसमें अपने टैक्टिक्स समझ नहीं आए। मतलब एज अ फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर एंड कैप्टन, जो मैंने देखा कि फील्ड हमने कुछ बहुत आसानी कर दी थी उनके लिए, कोई बाउंड्रीज नहीं लगी, कोई बड़ी हिट्स नहीं लगी, कुछ लूज बॉलों पे चौके लगे, और बाकी ये था कि वो देवर पुशिंग फॉर सिंगल्स, बड़े आराम से हर ओवर में तीन चार सिंगलें हो रही थी, पॉइंट भी पीछे था स्पिनर्स पे, मिड विकेट भी पीछे थी, मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ भी वो खेलते थे तो सीधा सिंगल था। मतलब इतनी आसानी क्यों कर दी गई है, मेरी समझ से बाहर है। फॉर माई लाइकिंग फहीम अशरफ ने ओवर्स भी कम किए, उसने अच्छी बॉलिंग की, एक इकॉनमी रेट भी उसका अच्छा था, और वन डेज में अच्छी फॉर्म लग रही थी बॉलिंग की। तो 5 सेशंस अगर हमारी टीम ने फील्डिंग किया, तो अगर वो 4 to 5 ओवर्स पर सेशन भी करें, जो कि हर 2 घंटे के सेशन में ऑलराउंडर अगर 4 से 5 ओवर भी करे 5 सेशंस में, तो उसके 25 ओवर्स तो एटलीस्ट 25-26 ओवर तो उसे इसमें करने चाहिए थे 5 सेशंस में, लेकिन उसने सिर्फ 19 ओवर किए। सो आई थिंक ही वॉज अ स्पेल शॉर्ट, और वहाँ पर हमने हारिस सुहेल से बॉलिंग करा ली, शान मसूद से भी बॉलिंग करा ली, मुझे नहीं पता उसको कोई प्रॉब्लम थी, जिस चीज़ का इल्म नहीं है अब क्या कह सकते हैं इस बारे में, खुदा ना आस्ता अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसका अभी तक कोई न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन अगर नहीं थी तो उसके कुछ ओवर्स और होने चाहिए थे, पाकिस्तान थोड़ा सा अटैक करता तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड ने जो है तकरीबन अराउंड कह लें कोई 70 से 80 रन ज़्यादा किए, ये पाकिस्तान कुड हैव गॉट देम टिल 330-345 तक आप इन्हें पकड़ सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आसानी की वहाँ पर उनकी डिफेंसिव थोड़ा सा अगर मैं कह दूँ तो मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आप उन किसी की टेल में चले जाते हैं एज अ बॉलिंग यूनिट, तो फिर आप उनको थोड़ा सा अटैक करते हैं, उनको थोड़ा चांस लेने देते हैं, लेकिन उनके बैट्समैनों ने कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, वॉटलिंग ने सिर्फ लूज बॉलों को चौके मारे हैं, जो कुछ बॉल ओवर पिच थे, कुछ लेग स्टंप पे बॉल गिरे हुए थे, कुछ ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट एंड वाइड थे। तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनका पाकिस्तान को अगली बॉलिंग में ख्याल रखना पड़ेगा, और अगेन आई वुड से मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स के लिए, उनकी स्किल्स पॉलिश ही एज क्रिकेटर्स एज बैट्समैन बॉलर्स सब कुछ उसी के बीच में आता है, और वही मेन इंस्टीट्यूट है आपको
बड़ा क्रिकेटर बनाने का। ये जितनी लीग्स हैं, T20 है, इसको एक्सपोयर कह लें, कमर्शियल एस्पेक्ट कह लें, गेम का मॉडर्न गेम कह लें, जो मर्जी कह लें, उसमें भी आप ज़्यादा अच्छे होंगे अगर आप ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। यू विल गेट टू नो क्रिकेट मोर, यू विल गेट टू नो योर सेल्फ मोर कि आप एज अ क्रिकेटर क्या हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपको वेट करना आएगा, आपको पेशेंस आएगी और किसको कहां पर कैसे डील करना है, ये आपको चार दिन की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट सिखाती है। कोई और फॉर्मेट इससे ज़्यादा आपको नहीं टीच करता। तो रिक्वेस्ट है अपने प्लेयर्स से कि उसमें ज़रा इंटरेस्ट लें और अपनी पॉलिसी मेकिंग से भी कि इनका जो मेन जो थ्रस्ट है और फोकस है टुवर्ड्स लॉन्गर वर्जन होना चाहिए, तो आपके सारे वर्जन्स फॉर्मेट्स आपके इम्प्रूव होंगे। और अगर हम सबसे छोटे वर्जन के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और हो भी रही है, रिसेंटली सबने देखा भी है। सो आई रियली होप कमिंग बैक टू दिस गेम कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो 5 सेशंस खेलने का जहन बनाए एटलीस्ट, ताकि मैच में रहें और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। आज पिच पे यासिर शाह ने जब फ्लाइट दिया तो थोड़ी बहुत स्पिन भी देखने को मिली, तो अगर हम लंबा स्कोर कर जाते हैं, कुछ भी उनके ऊपर कर जाते हैं अल्लाह करे, बशर्ते पहले तो हम ये स्कोर उतारें और उसके ऊपर अल्लाह करे अगर हम 100 या 80+ 100 रन करते हैं, तो अगर मजीद स्पिन होता है तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके प्लेयर्स के लिए। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, आई थिंक ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तान टीम एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।